मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ओ देखिए, ग्रुप मिलके सबका हेल्प सब कर पाएंगे, सबका पीछे सब रह पाएंगे, और हम लोगों का पीछे जैसे एक बैकबोन, मतलब एक मजबूत कुछ बन जाएगा, एक ट्रस्ट आएगा, भरोसा आएगा कि हाँ हम सब एक साथ मिलके है, किसी भी मुसीबत आ जाए मेरे सामने तो बाकी का लोग है हमको सपोर्ट करने के लिए, वो ट्रीटमेंट हो या दूसरा कोई प्रॉब्लम के लिए। बाकी आप लोगों का ऊपर है, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो का नीचे जरूर कॉमेंट करके बता दीजिएगा। कोलकाता लव बर्ड्स, KOLKATA LOVBIRDS। अरे आपका लेटेस्ट वीडियो सेलिब्रेशन था, आपने अपना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है। 70-80 पेयर का है, लेकिन नॉर्मल बजीज नहीं है, सारे होगोरोमो हॉलैंड कॉस्टली बजीज है। लाजवाब मोलक्कन कॉकाटू, ये किसी को भी अलाउ नहीं करता है, किसी को इसका पास में जाने ही नहीं देते हैं। लेकिन वो जो कॉकाटिल है उसको बहुत प्यार करते हैं। पंख के नीचे ले लिया, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। ओ देखिए, मतलब दोनों बहुत प्यार से रहते हैं। वो कॉकाटिल भी किसी के पास नहीं जाते हैं और ये तो किसी को अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल पास नहीं जाने देते हैं, लेकिन सिर्फ वही कॉकाटिल को बहुत प्यारा है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर, और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैरोट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। दादा आए हैं कलकत्ता लव बर्ड से, यूट्यूब में इनका एक चैनल है, नाम है कलकत्ता लव बर्ड, छोटे बर्ड का ऊपर एकदम स्पेशलिस्ट है, मतलब मैं भी इनका वीडियोस देखता हूँ, बजीज का वेरियस टाइप, होगोरोमो हॉलैंड वगैरह, और ये रिकॉर्ड है इनके पास, एक एक पेयर का 8-9 करके चिक हैच हुआ है, वीडियो में दादा शेयर किए हैं। और आप छोटे टाइप का बर्ड्स करते हैं, छोटे टाइप का बर्ड्स पे इंटरेस्ट रखता है, लव बर्ड वेरियस टाइप बजीज बर्ड्स, तो मैं कहूँगा आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलने वाला है, तो प्लीज़ जाइए दादा का चैनल में। दादा आप चैनल का नाम एक बार शेयर कर दीजिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा तो दो चैनल है। अच्छा, एक चैनल का नाम है पैरोट दीपंकर। हाँ हाँ, ये तो हाँ हम सभी का चैनल है। एक चैनल में थोड़ा बहुत जो मेरा नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, कोलकाता लव बर्ड्स। कोलकाता लव बर्ड्स, तो जरूर जाइए कोलकाता लव बर्ड्स, KOLKATA LOVBIRDS। 70-80 पेयर का है, लेकिन नॉर्मल बजीज नहीं है, सारे होगोरोमो हॉलैंड कॉस्टली बजीज है, और सबसे सरप्राइज वाला ये बात है कि 8-9 करके कितना 9 चिक दिया। होगोरोमो क्या है, थोड़ा वीक ब्लड लाइन होता है, नॉर्मल बजीज का थोड़ा उनका प्रोग्रेस आता नहीं है। अच्छा, तो फिर भी इतना अच्छा तो जरूर जाइए, जल्दी से जाइए, सक्सेस का फॉर्मूला चाहिए तो दादा का चैनल को विजिट कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, तभी जाके दादा और भी मोटिवेट होंगे। और अभी जाएंगे दादा को फार्म विजिट कराएंगे, जो सारा नया बर्ड्स लेके आए हैं। दादा के पास हम आए हैं तो अच्छा। दादा के लिए दूसरा कोई गिफ्ट मैं लेके नहीं आया हूँ, वर्कशॉप है, छोटा मोटा कंपनी है। अच्छा, उधर कुछ क्रिएटिव काम होता है मेरा, जो बिजनेस है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उधर से मैं अपने हाथों से दो गिफ्ट बना के दादा भाभी जी के लिए लेकर। ग्रेट, गिफ्ट खोलने से पहले से ही मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आप खुद कुछ क्रिएट करके मेरे लिए लेके आए हैं। अरे और सहा नहीं जा रहा है दादा, जल्दी से दीजिए, मैं ओपन करूंगा और सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। एक गिफ्ट है। नहीं दादा, एक खड़ा होके नहीं, आराम से बैठ के मैं देखूंगा। वाओ, ग्रेट ग्रेट दादा, पूरा कप का ऊपर देखिए। चंद्र बताओ कैसा है? बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, क्योंकि मतलब कॉफ़ी खाना तो आदत नहीं है, लेकिन इसको मिलने के बाद हर रोज़ मतलब आदत डाल लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे और दादा को याद करेंगे। और एक चीज़। ओ अच्छा, अभी भी है दादा, और भी है। आप हमारे लिए इतना मतलब इतना इंफॉर्मेशन बोलिए, इतना मोटिवेट बोलिए, इतना इंस्पायर करते हैं हम लोगों को, आपके लिए कोई भी करे, हम लोग कुछ भी करें पक्का मेरा। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। एक फ्रेम। वाओ,
बहुत अच्छा। ये हर एक वीडियो से मैंने आपका एक क्लिप लिया जहाँ पे आप मछली पकड़ रहे, ठीक है, मम्मी जी आपको खिला रहे बर्थडे में। वाह, ये आपका गर्मी का टाइम में है, ये आनंद है, इसमें चार जन आपने है, ये जुल्फिकार भाई का उधर गया था आपने, अच्छा, ये हमारा मास्टर, ठीक है, राजश्री, अरे आपका लेटेस्ट वीडियो सेलिब्रेशन था, आपने अपना बर्ड्स को वीडियो लेके आया था, ये आप पार्क होटल पे गए थे। और एक ग्रेट दादा, क्या कहूँ, इतना इतना ज्यादा पसंद आ रहा है सच में, ये मतलब आंखें तरस जा रहा है ना देखूं, ये तो मतलब क्या कहूँ, इतना इतना खूबसूरत है। और सच में आप सभी का कमेंट्स का इंतजार रहा कि दादा ने जो इतना सोच के, इतना मेहनत करके, मतलब इतना सारा फोटोज एक एक करके आपने स्नैपशॉट लेके कलेक्ट किया, एक्चुअली दादा थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया मेरे लिए, सच में ये तो हमको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये हम सभी के लिए है, पैरेट दीपंकर का पूरा फैमिली के लिए है, मेरा जितना सारा व्यूअर सब्सक्राइबर्स है सबके लिए है। गिफ्ट दादा लेके आए हैं कलकत्ता लवबर्ड की तरफ से, आप लोगों को कैसे लगा, आप सभी का कॉमेंट्स का इंतजार रहा। थैंक यू सो मच दादा, एंड थैंक यू गोपाल दा ऑल्सो। बहुत सारा दादा आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, थोड़ा परिचय करा देता हूँ। दादा आपका नाम और थोड़ा परिचय करा दीजिए। हाँ, मेरा नाम है तौसीफ गाजी, हम चौपाटी से आया है, देख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग भी बात के लिए कुछ सोच रहा है, दिवंगत दादा भी कुछ सोच रहा है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं इससे पहले भी आप लोगों को शायद बताया था कि हम लोगों का एक यूनिटी होना चाहिए, सब जितना सारा बर्ड लवर्स है सब मिलके इकट्ठा होके एक यूनिटी बनाएंगे, जहां एक डॉक्टर का टीम भी रहेगा, बहुत सारा डॉक्टर रहेगा, 24 आवर्स 365 डेज के लिए सभी को सपोर्ट देंगे। इसी के लिए सबसे पहले इकट्ठा होना पड़ेगा, हम सब लोग को एकजुट होना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग और भी मजबूत बन जाएंगे। और जितना सारा बर्ड लवर्स है सबको सही से गाइडलाइन केयर ट्रीटमेंट के बारे में जो टिप्स वगैरह है वो मिलेगा, इसके लिए कुछ सोचा है और दादा को बताया, दादा भी बहुत ज़्यादा एग्री है कि हाँ हम सब मिलके एक साथ कुछ करेंगे। और इसके लिए पैरेट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट हम लोगों ने तैयार कर लिया है और बहुत सारा लोग इसके साथ जुड़ भी गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, तो आप भी जुड़ सकते हैं एज ए मेम्बर। अभी ये फाइनली मैं अनाउंस नहीं किया, सिर्फ दादा के साथ बात हुआ था, तो आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मैं आशीष पल हूँ, मैं भी एक बर्ड्स लवर हूँ, दीपंकर दा कुछ प्लानिंग किए है बर्ड्स लवर को लेके एक एसोसिएशन बनाने के लिए, इसलिए हम लोग आए हैं। सपोर्ट मिले, सही से गाइडलाइन मिले, सब कुछ मिले। थैंक यू सो मच दादा, आपका परिचय। আমার নাম আছে কাশিম আলী মোল্লা, চম্পাটি থেকে, বারাইপুর, বারাইপুর থেকে। হ্যাঁ, বারাইপুর। मैं साहिद इकबाल मोल्ला, मैं भी एक बर्ड लवर हूँ, आपके वीडियो हम लोग बहुत बार देखते हैं, आपके तो हम लोग फैन हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, सब फ्रेंड है, हम सब मिलके एक सोच कर रहे हैं, हाँ, कुछ बनाया जाए बर्ड एसोसिएशन के लिए, कुछ किया जाए बर्ड के लिए, कुछ किया जाए। अगर अकेला कितना भी स्ट्रांग होगा, लेकिन वो अकेला है, हाँ, वो सही बात है। 20-50-500 लोग एक साथ मिल जाएंगे ना, तभी बहुत मजबूत, यूनाइटेड होना चाहिए हम लोगों को, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जरूर, जो फर्स्ट स्टेप है मैं तो बना लिया हूँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट, और आगे आप सभी का ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक कितना मजबूत बनेगा, ये आप सभी का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोगों में से जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा मजबूत बनेंगे हम लोग। और दादा इसके बाद आपका परिचय। हमारा नाम रजुल रहमान मंडल, हम चंपाटी से, खूब भलो लगे आपका ब्रॉड फैन। थैंक यू सो मच। और दादा पूरा बर्ड फार्म आप लोगों को विजिट कराया, बहुत अच्छा लगा, हम लोग आपके साथ है, बाद में भी रहेंगे, कोई भी टास्क हो कोई भी कार्रवाई करेंगे। सभी को मैं कह रहा हूँ आप सब जुट जाइए प्लीज, ताकि हम लोग और मजबूत हो सके, तो उम्मीद करता हूँ आप सब भी जुट जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, और थोड़ा रुक जाइए, कुछ दिन के बाद फाइनली मैं अनाउंसमेंट करूँगा। और एक मेल आईडी भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको ईमेल करना है अगर आप चाहते हैं कि हम लोगों का साथ जुड़ने के लिए। और उसके बाद मिलाते हैं अमित दा से, बहुत दिन से, मतलब करीब करीब एक साल से फ़ोन पे बात हो रहा है, अमित दा हमको बोलता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक साल बीत गया, फाइनली अमित दा आज आए हैं। और अमित दा के बारे में क्या कहूँ, छोटे टाइप का बर्ड्स का ऊपर, मतलब बजी स्पैरो का ऊपर
बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट इनको मिला। BSI बोल के हम लोगों का ग्रुप है, बजीका सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो उसमें एक बैनर कॉन्टेस्ट हुआ था कि क्लियरिंग्स म्यूटेशन के ऊपर। अच्छा। बजीगर का। अच्छा। तो उसमें मेरा एक फीमेल है क्लियरिंग्स बजीगर, वो फर्स्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मतलब गुजरात से मेरे को कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, और नेक्स्ट और उसके बाद भी एक हुआ था रेनबो के ऊपर, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मेरा बार्ड्स का। अच्छा। तो ख्याल नहीं किया तो इसीलिए डिस्क्वालीफाई। तो हम लोग का कलकत्ता का ही दमदम का ही एक मेरा एक दोस्त है पीकू बोलकर, उसका बार्ड फर्स्ट हुआ था और सेकेंड हुआ था दूसरा स्टेट का था। तो दादा आप अपना नंबर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सारे व्यूअर्स के लिए, ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर किसी का कुछ काम में आएगा तो वो आपको जरूर कांटेक्ट करेगा। 8910631513। और फेसबुक में मेरा एक पेज है अमित पेट्स पेट लवर्स बोल के, उस वो भी फॉलो करेंगे तो मैं उसका भाई हूँ सानू घोष। सानू घोष। और उसके बाद और एक खास इंसान से मिलाता हूँ, 100 पेयर लवबर्ड का सक्सेसफुली ब्रीड कर रहे हैं। दादा थोड़ा सा बता दीजिए, लवबर्ड का म्यूटेशन के जितने होते हैं, रोजी ग्रुप में जितना होता है या पर्सोनाटा या फिशर ग्रुप, सभी वायलेट छोड़ के मेरे पास सब कुछ है। अच्छा। लेकिन एडल्ट ब्रीडिंग पेयर अभी 55-6 हुआ है। हाँ। और चिक्स को मिला के लगभग 90-95 चला जाएगा। अच्छा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा सारे व्यूअर्स के लिए, आप कुछ सीक्रेट टिप्स शेयर कीजिए लवबर्ड्स के लिए जो बहुत ही ज़रूरी होता है, ऐसे 2-3 कुछ बता दीजिए जो लोग लवबर्ड कर रहे हैं क्या क्या फॉलो करना चाहिए थोड़ा बहुत आपके। एक तो ज़रूरत होता है कि जो एटमोसफियर जो है थोड़ा, जहाँ लोग जो कम जाता है ये जगह होगा तो अच्छा होता है। हाइजीन मेंटेन कितना करना पड़ता है, क्योंकि हाइजीन थोड़ा, ये बात आप बोले कि ये मतलब वाइटल पॉइंट है। अच्छा। थोड़ा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है कि कहीं से हम सोचे कि किसी का फार्म से आए और वही शर्ट पैंट पहन के मेरा फार्म में अंदर चला जाए तो वो वायरस थोड़ा इधर उधर मतलब मेरे फार्म में आ सकता है। अच्छा, इसलिए पूरा ड्रेस चेंज करके ये जाना पड़ता है, ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो बताया कि हम सारे बर्ड लवर्स को इकट्ठा होना चाहिए ताकि हम लोग मजबूत बनेंगे एकदम। मतलब इसका ऊपर आपका क्या कहना, आपका ओपिनियन क्या है? आप जो बोले एकदम ठीक बात है, 3-4 ऐसा नहीं, पूरा एकदम जितना पेट मतलब बर्ड एक्सोटिक बर्ड जितना ब्रीडर है सबका, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, गाइडलाइंस के लिए अच्छा कुछ रहेगा कि कौन सा मौसम में क्या देना चाहिए, कब डीवॉर्मिंग कराना चाहिए, कौन सा प्रॉब्लम के लिए कौन सा मेडिसिन सही रहता है, ये सबके लिए अगर हम सब मिल के इकट्ठा हो जाएंगे तो तभी जाके एक ग्रुप मिल के सबका हेल्प सब कर पाएंगे, सबका पीछे सब रह पाएंगे। और हम लोगों का पीछे जैसे एक बैकबोन मतलब एक मजबूत कुछ बन जाएगा, एक ट्रस्ट आएगा, भरोसा आएगा कि हाँ हम सब एक साथ मिल के है, किसी भी मुसीबत आ जाए मेरे सामने तो बाकी का लोग है हमको सपोर्ट करने के लिए, वो ट्रीटमेंट हो या दूसरा कोई प्रॉब्लम के लिए। बाकी आप लोगों का ऊपर है, आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो का नीचे जरूर कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग भी। हाँ हाँ हाँ,